हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रि तैयार है और नवरात्रों में हमको चाहिए कि कोई ऐसी चीज जिसे हम 8-9 दिन के लिए स्टोर करके रख सकें और उसे हमें बार बार ना बनाना पड़े। तो उसके लिए आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, आलू की नमकीन। तो उसके लिए लिए मैंने 4 आलू, थोड़ी सी लिए मैंने ये कच्चे दाने मूंगफली और थोड़ी सी लिए मैंने मखाने। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं और मोटी साइड से इसे आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस किया। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके लच्छे। तो ये देखिए कितना बड़ा इसका लच्छा बना है। जितना बड़ा होगा उतनी ही नमकीन हमारी अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो इसी तरीके से आप बड़े साइड से इसको कद्दूकस करें, जिससे आपको भी इसके बड़े बड़े लच्छे मिले। और इसको हमने 4 से 5 बार पानी से धो लिया है, जिससे आलू का जो स्टार्च होता है अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे तो आलू हमारा काला पड़ जाएगा और नमकीन भी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया। ये देखिए इसका कितना साफ पानी है। अब इसे हम निकालते हैं एक टॉवल पे पानी में से निचोड़ के। तो इस तरीके के ले लेंगे एक हम टॉवल, किचन टॉवल या कोई भी टॉवल आप ले सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से दबा के ये देखिए पानी पूरा हम इसमें से निकाल देंगे और रखेंगे टॉवल पर, जिससे कि इसका पानी एकदम से सूख जाए। तो सभी को हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसका पानी सुखा लेंगे। हमें इसको ये मीड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी ये आलू के जो लच्छे बने हैं ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है। अब रखते हैं गैस पे कढ़ाई। तो ऑयल हमारा खूब अच्छे से हो चुका है गर्म। अब कर दिया हमने गैस एकदम से लो। और ये लिए हमने मखाने, तो उनको हम इस तरीके से सेक लेंगे। हमें ये ज्यादा नहीं सेकने, तो इस तरीके से आप इन्हें हल्के हल्के सेक लें। तो ये सिक चुके हैं, इनको निकालते हैं प्लेट में। मैंने ये देसी घी लिया है। आप रिफाइंड यूज करते हो तो आप रिफाइंड में भी इसे बना सकते हैं। तो इसे निकाल देते हैं प्लेट में। अब लेंगे इसी तरीके से हम ये मूंगफली के दाने, इनको भी हम इसी में इसी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि ये भी हमें ज्यादा नहीं भूननी है, जो एकदम ये जल ना जाए। तो बस इसी तरीके से हम ताकि हमें ये मूंगफली अच्छे से सिक जाएगी। ये देखिए सिक चुकी है। अब इनको इस तरीके से झाड़ के हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब लेंगे ये आलू के लच्छे, इनको भी हम इसमें डाल के बस सेक लेंगे। तो इस तरीके से क्रिस्पी होने तक हमें ये सेक लेने हैं और इस तरीके से निकालने हैं। इसे झाड़ के हमें पूरा ऑयल इसमें से निकाल देना है। घी या तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं वो इस तरीके से हमें झाड़ के एकदम निकाल देना है। अब इसी तरीके से हम सभी आलुओं को सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे आलू के छिले जो भी लच्छे बनाए थे, ये देखिए देखने में भी गर्म है लेकिन कितने करारे सिक गए। अब बस इनको भी उसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसको निकाला हमने बड़े बर्तन में, जिससे कि इसमें जो भी हम मसाले डालेंगे जैसे दर्द वाला नमक और काली मिर्च पाउडर, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये लिए हमने काली मिर्च पाउडर, इसे इसमें हम डाल देंगे। ये बाजार से भी ज्यादा अच्छी घर पे बन जाती है, क्योंकि घर पे आप अपने हिसाब से इसे एकदम करारा सेक सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें नमक और मिर्च मिला सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मिलाया स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च। अभी ना कर लेंगे सबको मिक्स। तो हो गया इसमें अच्छे से दर्द वाला नमक और काली मिर्च अच्छे से इसमें हो गए मिक्स। अब ये तैयार है हमारी दर्द वाली नमकीन। तो आप इसे पूरे हफ्ते बना के रख सकते हैं और पूरे हफ्ते इसे खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने इसे बनाया तो आपका ये कैसा बना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।